ज्ञानंजना शिवाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। परिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौरवजन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग ब्राह्मण की पत्नी और गोपियों के बारे में जान पा रहे थे कि कैसे भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को वापस लौटने के लिए कहा तो वो लौट जाती है अपने पतियों के पास, और लोक लाज के बारे में कृष्ण उनको बोलते हैं कि आप अपने पत्नी पतियों के पास वापस लौट जाओ तो वे लौट जाती है। लेकिन सेम ही चीज वो गोपियों को कहते हैं, जब रासलीला के समय वो सब पहुंच जाती हैं कृष्ण की बंसी की धुन सुन के, तो गोपियां जो है वो नहीं लौटती, वो मना कर देती है वापस घर जाने में। तो ये जो गोपी भाव है ये बहुत ऊंचा लेवल का प्रेम है। यहाँ पे श्री कृष्ण भी यानी रासलीला में यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कृष्ण की रास और आदि लीलाओं में एकमात्र गोपियों का ही अधिकार है। जब तक आप गोपी भाव में नहीं आएंगे आपको कृष्ण के रास लीला में कोई अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता। यानी फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण पत्नियां हो, श्रुतियां हो, कोई भी हो, जब तक ये गोपी नहीं है तब तक रास लीला में अधिकार नहीं मिलता। श्री कृष्ण का भी ब्रज में गोप वेश और गोप आवेश रहता है, यानी वो भी एक गोप वेश में ही होते हैं। इसलिए ब्रज में गोपी गर्भजात गोपियों का ही ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की रास आदि तथा निकुंज लीलाओं में अधिकार है। तो मैंने जिस जो गोपियां गोपियों के गर्भ से ही जन्म लिया है वही गोपियों को रासलीला में अधिकार है। तो वैकुंठ घर लक्ष्मी जो अभी भी तपस्या कर रही है बेलवन में, तथा द्विजा पत्नियों यानी ब्राह्मण पत्नियों का इन निकुंज आदि लीलाओं में अधिकार नहीं है, इसलिए वे लौटा दी गई। हो सकता है कि बहुत जन्मों तक रागात्मिक गोपियों के अनुगत्य में, यानी जब वो गोपियों का अनुगत्य स्वीकार करेंगी, गोपियों के अंदर रहना स्वीकार करेगी लक्ष्मी जी या ब्राह्मण पत्नियां, तब कठोर आराधना करने के बाद, बहुत जन्मों की कठोर आराधना करने के बाद वे प्रकट ब्रज में गोपी गर्भ से जन्म ग्रहण करें तथा नित्य सिद्ध गोपियों के संग के प्रभाव से कभी निकुंज आदि सेवाओं में उनको अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात से ये कंफर्म है कि जब तक हम गोपियों का अनुगत्य नहीं स्वीकार, जब तक हम ये नहीं स्वीकार करते कि हमें गोपियों के अंदर रहकर ही कृष्ण हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है, तब तक हमें कृष्ण की रासलीला में प्रवेश नहीं मिले। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमें आ, आ, जब ये हमारा आखिरी जन्म हो तब भी हमें आखिरी जन्म जब होता है तब हमें गोपियों के गर्भ से एक लास्ट जन्म लेना होता है, किसी गोपी के गर्भ से जन्म लेना होता है, तब हम कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं और उसके बाद हम गोलोक जाते हैं। यानी कृष्ण की जो कृष्ण भगवान है जो लीला कर रहे हैं, तो ये एकमात्र ब्रह्मांड नहीं, मतलब एकमात्र ब्रह्मांड नहीं है, भगवान ने ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड भगवान के श्वास से ही निकल जाते हैं। तो इस तरह हर ब्रह्मांड में भगवान की एक लीला चल रही होगी, शायद अभी कहीं और भगवान का कोई और लीला चल रहा होगा। जैसे ये यहाँ पे हमारे यहाँ दामोदर मास चल रहा है तो कहीं और पे भगवान की दूसरी लीला चल रही होगी। तो इस तरह भगवान की लीला जो है वो नित्य चल ही रही है, किसी ना किसी ब्रह्मांड में कृष्ण कृष्ण का अवतार होगा, और मैंने कृष्ण होंगे और वहां पे वो लीला कर रहे होंगे। तो उस नित्य लीला में हमें प्रवेश मिलता है, जब वो हमारा आखिरी जन्म होता है तब हमें कृष्ण के नित्य लीला में किसी गोपी के गर्भ से जन्म लेने पर भगवान की जो नित्य लीला है उसमें हमें प्रवेश मिलता है, और उसके बाद हम कृष्ण के साथ उनके गोलोक धाम चले जाते हैं। तो इस तरह हमारा ये जर्नी होता है। तो इसी तरह यहाँ पे लिखा है कि शायद कभी, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो राधा रानी या गोपियों का अनुगत्य अस्वीकार करती है और वो कठोर तपस्या कर रही है, लेकिन केवल तपस्या ये खोखला है, हम तपस्या करके भगवान को नहीं पा सकते। हमें हम जब तक किसी गोपी के अनुगत्य ना हो, जब तक हम राधा रानी की शरण नहीं लेते तब तक हम भक्ति में भी प्रवेश नहीं कर सकते, तो कृष्ण की लीला में कैसे प्रवेश कर सकते। तो
अब हम आज करेंगे श्री वृंदावन धाम, और ठीक ये लास्ट है, हरे पड़ाव है कृष्णा हमारा वृंदावन धाम। हरे कृष्णा। माता जी। हाँ आप म्यूट कर लीजिए। हम थोड़ी सी वृंदावन की विशेष महिमा पढ़ते हैं। श्री वृंदावन केवल तीर्थ ही नहीं, भगवान का निज धाम या निज गृह है, उनका पर्सनल होम है। यदि वृंदावन को कृष्ण का स्वरूप कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यानी वृंदावन जो है वो कृष्ण ही है, कृष्ण का और भी लिखा है स्वरूप ही कैसे भजन को कृष्ण। पढ़ा रहा है, भक्तों की चंडों की रज लेके आगे लिखा हो, और तो गुप्त रख रहा है भक्ति, बहुत कुछ लिखा है। हाँ हरे कृष्णा। म्यूट। ठीक है, तो जो वृंदावन है वो कृष्ण का ही स्वरूप कहा गया है, क्योंकि कृष्ण और उनका धाम स्वरूपता अभिन्न है। कृष्ण और कृष्ण का धाम वृंदावन, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। पुराणों के अनुसार एक बार देवऋषि नारद अपनी वीणा की तान पर हरि गुणगान करते हुए तीर्थराज प्रयाग में पहुंचते हैं। तो तीर्थराज ने उनका बहुत ही स्वागत किया, सत्कार किया तथा अपने तीर्थराज होने की सारी घटना सुनाई। श्री नारद जी ने कहा, भगवान ने आपको तीर्थराज के पद पर अभिषेक तो किया, किंतु मुझे इस विषय में कुछ शंका है। क्या वृंदावन भी अन्य तीर्थों की भांति आपको कभी भी भेज देने के लिए उपस्थित हुआ है? कभी आता है वृंदावन आपके पास? तो तीर्थराज जी ने उत्तर दिया, नहीं तो। नारद जी ने पूछा, फिर आप कैसे तीर्थराज हो गए? या बात तीर्थराज जी के हृदय में चुभ गई? सोचा, बात तो ठीक ही है, मैं फिर तीर्थराज कैसे हो गया? वे भगवान के पास पहुंचे। तीर्थराज को आते हुए देखकर भगवान ने उनको यथोचित सम्मान दिया तथा उनके आने का कारण पूछा। तो तीर्थराज ने नम्रता से कहा, प्रभु आपने मुझे तीर्थराज के पद पर अभिषेक तो कर दी, किंतु वृंदावन तीर्थ तो कभी भी मुझे भेज देने के लिए नहीं आते, फिर मैं तीर्थराज कैसे हो गया? यदि वृंदावन जैसा छोटा सा तीर्थ मेरी अधीनता स्वीकार ना करे तो मेरा तीर्थराज होना सर्वथा अनुचित है। तो प्रयागराज की बात सुनकर भगवान क्षण भर तक मौन हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु छलक पड़े, उन्हें ब्रज का स्मरण हो आया। सखाओं के साथ गोचारण, नंद बाबा, यशोदा मैया का स्नेह, अपनी प्रियतमा किशोरी श्री राधा, गोपियां तथा उनके साथ रास विलास, अनेक चित्र उनके सामने उभर आए। उनके हृदय में क्रमशः स्फुरित होने लगे एक के बाद एक। हमारे हम जब किसी बात पर सोचते, मैंने कोई बात हमारे जीवन में हुआ है उसको हम भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन अगर कोई आके हमें वो बात याद दिला देता है, एक छोटी सी बात बोल देता है, उस एक बात के पीछे कितनी सारी यादें जुड़ी होती है, वो एक के बाद एक हमारे सामने उभर कर आने लगे। तो इसी तरह जब तीर्थराज ने आके वृंदावन के बारे में बोला, तो वृंदावन सुनते ही भगवान के सामने वो सारी लीलाएं आ गई ब्रज की, एक के बाद एक उनको सारी याद आने लगी। उनका हृदय जो है वो द्रवित हो गया। उसके बाद कुछ स्वस्थ होने पर, उसके बाद उन्हें थोड़ा समय लगा, उसके बाद कुछ स्वस्थ होने पर गंभीर होकर वो बोले, तीर्थराज मैंने ठीक ही तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, परंतु आपके घर का राजा नहीं, अपने घर का राजा तुम्हें नहीं बनाना। श्री वृंदावन मेरा घर है, घर ही नहीं, मेरी प्राण प्रिया श्री राधा की परम विहार स्थली भी है। वहां की अधिपति और ईश्वरी तो वे ही हैं, वे ही वृंदावन ईश्वरी है, मैं भी सदा वही निवास करता हूँ। अंत तुम तीर्थराज ही हो, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी भगवान ने तीर्थराज को तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन केवल तीर्थ नहीं है, तुम भी किसी प्रकार वृंदावन की सेवा करने के लिए आराधना कर सकते हो। यही नहीं, पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महात्म्य में श्री नारद जी ने भक्ति देवी को श्री वृंदावन का महात्म्य समझाते हुए कहा है कि वृंदावनस्य संयोगात पुनः त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नित्यति यत्र चा। यानी कि हे देवी, ये भक्ति देवी को बोल रहे हैं नारद मुनि कि हे देवी, वृंदावन के संयोग से तुम फिर से नवीन तरुणी हो गई हो, यानी तुम फिर से यंग हो गई हो। अच्छा, ये वृंदावन धाम धन्य है, यहाँ भक्ति यानी भक्ति देवी यत्र तत्र सर्वत्र नित्य करती है, यानी
हर जगह यहाँ पर भक्ति ही भक्ति है, जो हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र नित्य करती है। जब भगवान इस धरा पे आने वाले थे, तब राधा रानी बोलती है कि अगर गोवर्धन नहीं होगा, अगर वृंदावन नहीं होगा, तो मैं नहीं आऊंगी। मतलब मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे गोवर्धन चाहिए। इसलिए भगवान है वो जो 84 कोस में फैला हुआ हमारा धाम है, इसे प्रकट किया इस धरती पर। तो ये जो है 84 कोस में फैला हुआ वृंदावन धाम, ये एक्चुअली में ये किसी इंडिया या ऐसे किसी कंट्री को नहीं बिलोंग करता, ये साक्षात गोलोक वृंदावन का ही रेप्लिका नहीं है, एक्चुअली में वृंदावन ही है। यहाँ पे नित्य लीला होती रहती है, और ये कृष्ण का घर है। यहाँ की जो देवी है अधिष्ठात्री देवी, वो वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। स्कंद पुराण के मथुरा खंड में वृंदावन की महिमा का उल्लेख आता है कि तस्मिन् वृंदावने तो पुण्यम गोविंद निकेतनम तत्र सेवक सेवक समाकीर्ण तत्रैव कीयते मे भुवि गोविंद वैकुंठम तस्मिन् वृंदावने नरपा यत्र वृंदा दयो भूत्या शांति गोविंद लाल सा वृंदावने महासद्म सद्म यही त्रिस्तम पुरुषोत्तमे गोविंदस्य महीपाल ते कृतार्था मही तले। आदि पुराण में भी आता है कि वृंदावने तु गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे खाते यमु यम पुरम यान्ति यान्ति पुण्य कृतम गतिम। तो चैतन्य महाप्रभु एवं वृंदावन, पहले ही जैसे हम लोग ने पढ़ा और सुना कि कृष्ण लीला के अप्रकट हो जाने पर ब्रजमंडल सारी कृष्ण लीला स्थलियां प्राय लुप्त हो गई, यानी सारी खो गई। जितनी भी लीला स्थलियां, पूरा वृंदावन ही खो गया, कुछ भी नहीं था। तो राजस्थली वंशीवत से युक्त वृंदावन सघन वनों में लुप्त हो गया था, यानी ना तो राजस्थली पता चल रही थी, ना वंशीवत पता, सब कुछ घना जंगल बन गया था, वन बन गया। तो कुछ वर्षों पश्चात शांडिल्य एवं भागुरी ऋषि आदि की सहायता से श्री व्रजनाभ महाराज ने कहीं श्री मंदिर, कहीं सरोवर, कहीं कुंड आदि की स्थापना कर लीला स्थलियों को प्रकाशित किया। किंतु लगभग 4,500 वर्षों के बाद ये सारी लीला स्थलियां पुनः लुप्त हो गए, मैंने फिर से लुप्त। जब कृष्ण चले गए तो पूरा सघन बन गया। उसके बाद चांदेली जी और भागवत जी की सहायता से वैजनाथ महाराज जी ने सब लीला स्थलियों को फिर से प्रकाशित किया। वहां पे कुंड बनाया, कहीं पे सरोवर बनाया, कहीं पे मंदिर बनाया, स्थापना की। लेकिन 4,500 साल बीत जाने के बाद फिर से वृंदावन पूरी तरह लुप्त हो गया। तब सारी लीला स्थलियां पुनः लुप्त हो गई। राधा भव द्युति सुवलित श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसे जगत जगती तल पर पधारे। फिर किसका आगमन हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु का। उन्होंने स्वयं तथा श्री रूप सनातन आदि अपने परिकरों द्वारा लुप्त श्री वृंदावन और ब्रज मंडल की लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित किया। उनके इस महान कार्य के सारा विश्व, विशेषता वैष्णव जगत, उनकी चिर ऋणी रहेगा। आज जो हम वृंदावन देखते हैं, ये सब कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु और हमारे सब हमारे जो सत गोस्वामी हैं, उनकी देन है। अगर ये लोगों ने दोबारा वृंदावन को इस तरह प्रकाशित नहीं किया होता, सारे लीला स्थलियों को वापस दोबारा हमारे सामने नहीं लाया होता, तो हम आज वृंदावन को खो चुके होते हैं। मैंने हम जान ही नहीं पाते कि वृंदावन की जो लीला स्थली है वो सब कहाँ है। इसलिए सारा जो वैष्णव जन है, हम सब उनके ऋणी हैं। यदि ये लोग धरा धाम में अवतीर्ण नहीं होते, तो मधुर वृंदावन को कौन जानता? और उस वृंदावन माधुरी में भला कौन प्रवेश कर सकता था? यदि गौरांग देव नहीं आते, तो प्रेम रस की सीमा राधा की महिमा कौन बतलाती? गौरांग नहीं ते तबे की हैता केमने धरिती ते राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा ब्रज युवती भावेर भक्ति तकति हरित कार। श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात उन्हीं की विशेष आज्ञा, श्री
श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, शीला रूप गोस्वामी, शीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, शीला रघुनाथ दास गोस्वामी, शीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने विभिन्न शास्त्रों की सहायता से शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर वहां से सब लीलाओं को जाना और फिर उसके साथ कहाँ कहाँ उसको ढूंढा, वो जगह कहाँ है, और फिर उसे प्रकाशित किया। तो अथक अपने अथक परिश्रम द्वारा ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकाशित किया। तो वृंदावन की लीला स्थलियां श्री राधा कृष्ण युगल के केली विलास में सब प्रकार से सहायिका श्री कृष्ण स्वरूपिणी भगवती कृष्णा या महारानी यमुना जी ने वृंदावन को तीन ओर से घेर रखा। ये अपने सुरम्य तट पर दोनों ओर नाना प्रकार के पुष्पों फलों से लदे हुए शगन वृक्षों और लताओं से असंख्य रमणीय निकुंजों का सृजन कर प्रिया प्रियतम के रस विलास में संपूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान करती हैं। दिव्य मणिमयी घाटों से सुसज्जित कदम, तमाल, आम, बकुल आदि वृक्षों और उसके निर्मित विविध कुंजों से परिमंडित सप्तदल कमलों से सर्वदा सुशोभित श्री यमुना की प्रेममय वारी में सखियों के साथ राधा रानी और कृष्ण युगल जल के लिए नौका विहार करते हैं। ऐसी भागवती यमुना सदैव युगल किशोर की सेवा कर परम वंदनीय है। चिदानंद भानो सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री दवा ब्रह्म गात्री, अघान अमलवित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रियान्नो वपुर मित्र पुत्री। चिदानंद सूर्य स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण के उन्नत उज्जवल प्रेम को प्रदान करने वाली साक्षात ब्रह्म पर ब्रह्म की द्रवित विग्रह स्वरूप अपने स्मरण मात्र से संपूर्ण प्रकार के अघों महापापों को दूर कर हृदय को पवित्र बनाने वाली जगत मंगलकारिणी मरु हृदय में भी, मरु यानी रेगिस्तान जैसे हृदय में भी ब्रज रस का संचार करने वाली सूर्य पुत्री श्री यमुना जी की पुनः पुनः वंदना करता हूँ। वे हमें पवित्र करें, ये उनका प्रणाम मंत्र था। गंगादि तीर्थ परिशेवित पाद पद्माम गोलोक सौख्य रस पुरमहि महिमना अप्लावित अप्लावित अखिला सुधाशु जलाम सुखाब्दो राधा मुकुंद मुदितम यमुना नमामि। गंगा गोदावरी नर्मदा सिंधु आदि तीर्थों के द्वारा जिनके चरण कमल सर्वदा परिसेवित होते हैं, जो गोलोक वृंदावन के श्री राधा कृष्ण युगल की रस परिपाटी युक्त सेवा को प्रदान करने वाली महिमा से युक्त, जो अपने अमृत पूर्ण जल प्रवाह के द्वारा श्री राधा मुकुंद को सुख समुद्र में निमग्न रखती है, उन कृष्ण प्रिया श्री यमुना जी को पुनः पुनः प्रणाम है। सोनरक यहाँ पर सौभार ऋषि का आश्रम था। सोनरक में सौभार ऋषि का आश्रम था। यह स्थान वर्तमान कालियादह के निकट है और सौभार ऋषि कालियादह जहाँ पे कालिया दमन किया था भगवान कृष्ण ने, सौभार ऋषि ने कृष्ण लीला से पूर्व यमुना के जल में खड़े होकर, जब कृष्ण लीला शुरू नहीं हुई थी उसके भी पहले यमुना के जल में खड़े होकर ग्रीष्म में शीत और सभी ऋतुओं में अपनी इंद्रियों को जीत कर हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। और इन्हीं दिनों भगवत परिकर गरुड़ जी वहां पहुंचे और पक्षी के स्वभाव से वे देखते ही देखते एक बड़े पुरुष मछली को निगल गए। यानी गरुड़ जी तो पक्षी है ना, तो वो एक बड़े पुरुष मछली को निगल गए। तो ऐसा देखकर मछलियों ने विलाप करते हुए सौभार ऋषि के पास प्रतिकार करने के लिए प्रार्थना की। तो सौभार ऋषि जो है वो हजारों साल से वहां तपस्या कर रहे हैं और जब उनके पति को निकल गया गरुड़ जी, तो वो जाकर सौभार ऋषि के सामने उनको अपनी व्यथा सुनाते हैं, विलाप करते हैं। और फिर भगवत भक्तों की महिमा से अनभिक्ष शुष्क तपस्या में निरत सौरभ ने गुरु जी को श्राप दिया कि यहाँ पुनः आने से उनका मस्तक उड़ जाएगा। यानी उन्होंने गुरु जी को ही श्राप दे दिया। परम भक्त के प्रति इस अभिशाप का
के कारण सबा ऋषि के हृदय में संसार भोग की कामना पैदा हुई। तो सबा ऋषि तो अपनी तपस्या में थे, उनको ये एहसास नहीं हुआ कि जो गरुड़ जी है वो भगवान के भक्त हैं, और अगर वो मछली को ऐसे खा रहे हैं तो क्योंकि जो जो उनका देह है गरुड़ है, तो पंछी है, तो पंछी का जो भोजन होगा वो वही पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने जो श्राप दिया वो गलत था। तो बिकॉज वो इतने हजारों साल तपस्या करने के बाद भी इस तरह उन्होंने एक भक्त को, भगवान के भक्त ही हैं गरुड़ जी, उनको श्राप श्राप दे दिया, तो इससे क्या हो गया, उनकी भक्ति में जो वो तपस्या कर रहे हैं उसमें फर्क पड़ गया, जिससे कि उनका मन संसार में मटेरियलिस्टिक हो गया। परम भक्त के प्रति इस अभिशाप के कारण सबा ऋषि के हृदय में संसार भोग की कामना पैदा हो गई। उन्होंने यमुना जल से बाहर आकर अपने योग के प्रभाव से सुंदर नवयुग उन्होंने अपने आप को एक सुंदर नवयुग बनकर महाराज मांधाता की बहुत सी नवयौवन संपन्न परम सुंदरी कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। एक नहीं, बहुत सारी उनकी जो पुत्री थी उनके साथ विवाह कर लिया और हजारों वर्षों तक संसारिक भोग में लिप्त रहे। इधर भगवत इच्छा से कालियानाग अपने परिवार के साथ महापराक्रमी गरुड़ से अपनी सुरक्षा के लिए यमुना के उसी हद में निवास करने लगा जहाँ पे गरुड़ जी को श्राप मिला था कि अगर वो उस तरफ आएगा तो उसका मस्तिष्क उड़ जाएगा। तो इसलिए जो कालियानाग है उसी लोकेशन में आ गया जहाँ पे गरुड़ प्रवेश नहीं कर सकता, और इस तरह गरुड़ से अपनी सुरक्षा के लिए यमुना के उसी हृदय में निवास हद में निवास कर लिया। वहां रहने वाली सारी मछलियां भी गरुड़ के प्रति अपराध करने के कारण विष जल के प्रभाव से मर गई, और इस प्रकार भक्त के प्रति अपराध के कारण सौभार ऋषि एवं उनके आश्रित मछलियों का सर्वनाश हो गया। इसलिए शास्त्रों में वैष्णव अपराध से सर्वथा बचने की बात कही गई है। कालिया रिद या दह, इसका वर्तमान नाम है कालियादह। श्री कृष्ण ने कालियानाग का यहीं पे दमन किया। पास में ही केली कदम है जिस पर चढ़कर श्री कृष्ण कालिया रेत में बड़े वेग से कूदे थे, जिस पेड़ के चढ़ के भगवान कूदे थे यमुना जी ने कालिया दमन के समय। कालियानाग के विष से आसपास के वृक्ष लता सभी जलकर भस्म हो गए थे, केवल यही एक केली कदम बच गया। इसका कारण यह है कि महापराक्रमी गरुड़ अपनी माता भिन्ता को अपने अपनी भी माता कद्रू के दासीपन से मुक्त कराने के लिए देवलोक से अमृत का कलश लेकर इस केली कदम के ऊपर से कुछ देर के लिए बैठे थे। मैंने उसके केली कदम के ऊपर वो बैठ गए थे, गरुड़ उनके पास अमृत का कलश था, अपनी माता को अपनी जो भी माता है यानी जो सौतेली माता है उसकी दासी से बचाने के लिए, मुक्त करने के लिए वो अमृत लेकर आए थे और इस पेड़ पर थोड़ी देर बैठे थे, तो उसके गंध या छींटे के प्रभाव से ये केली कदम बच रहा है, यानी उस पेड़ के ऊपर अमृत के कुछ बूंद गिर गए थे जिसके कारण केली का बाकी के सारे पेड़ जो है वो कालियानाग के जहर से भस्म हो गए थे, लेकिन ये केली कदम बच गया था। कालियानाग भी बड़ा पराक्रमी था। जब उसने कृष्ण को अपने फेटे में बांध लिया उस समय कृष्ण कुछ असहाय व निश्चेष हो गए थे। उस समय नाग पत्नियां जो श्री कृष्ण की परम भक्त की प्रार्थना करने लगी कि भगवत विरोधी पति की स्त्री होने के बदले हम विधवा होना ही अधिक पसंद करती हैं, यानी वो ये प्रार्थना करने लगी कि इससे तो अच्छा होता कि हम विधवा हो जाते, ये हमारा जो पति है वो कृष्ण के विरुद्ध है। किंतु जो ही कृष्ण नाग के पेटे से निकलकर उसके मस्तक पर पद आघात करते हुए नृत्य करने लगे, कृष्ण जब नृत्य कर रहे थे तो उनके एक एक स्टेप पर उस कालियानाग को बहुत जोर जोर से चोट लग रही थी, आघात लग रहा था, तो उस समय कालिया अपने सहस्र मुखों से रक्त उगलने लगा और भगवान के शरणागत हो गया, और उस समय नाग पत्नियां उसके शरणागत भाव से अवगत होकर हाथ जोड़कर कृष्ण से उसे जीवन दान के लिए प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने उनकी स्तव स्तुतियों से प्रसन्न होकर कालियानाग को अभय प्रदान किया और सपरिवार रमणक द्वीप में जाने के लिए आदेश दिया। उन्होंने आदेश दिया कि
यमुना जी को छोड़ के वो रमनक नाम के द्वीप में चले जाए। और उसको अभय देते हुए बोले कि अब तुम्हें गरुड़ जी का भय कभी नहीं होगा, वे तुम्हारे फनों पर मेरे चरण चिन्ह, क्योंकि भगवान ने उसके शीश पर खड़े होकर नृत्य किया था, तो भगवान के पैरों के निशान उसके सर पर पड़ गए, उसके फनों पर। तो वो भगवान के निशान को देखकर गरुड़ अब कभी उसे परेशान नहीं करेगा और तुम्हारे प्रति शत्रुता भी भूल जाएगा। नाग पंचमी उसने ये प्रार्थना की थी कि हे देव, आपके जिस पदरज की प्राप्ति के लिए श्री लक्ष्मी देवी अपनी सारी अन्य अभिलाषाओं को छोड़कर चीरकाल तक व्रत धारण करती हुई तपस्या करती थी, किंतु वे विफल मनोरथ हुई, यानी वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई लक्ष्मी की। उसी दुर्लभ चरण रेणु को कालिया नाग ना जाने किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। श्रीमद भागवत के गौड़िया टीकाकारों का यहाँ सुसिद्धांतपूर्ण विचार है। कालिया पर भगवान की अहेतुक की कृपा का कारण और कुछ नहीं बल्कि कालिया नाग की पत्नियों की श्री कृष्ण के प्रति अहेतुक की भक्ति है, क्योंकि भगवत कृपा भक्त कृपा की अनुगामिनी है। यानी जहाँ पे भक्त, ये जो भक्त हैं उनकी पत्नियां कौन है, कृष्ण की भक्त है, और उसके कारण ही जो कालिया नाग है उसको भगवान की रज प्राप्त हो गई। उसके सिर पर भगवान ने अपने चरणों को रखा। श्री प्रबोधानंद सरस्वती की भजन कुटी है यहाँ पर और समाधि स्थल भी है। शिला प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने ही राधा रस सुधा निधि लिखा है, जो बहुत सुंदर है। वृंदावन महिमामृत भी उन्होंने लिखा है, और श्री चैतन्य चंद्रामृत और संगीत माधव आदि ग्रंथों के रचयिता। शिला प्रबोधानंद अपने पूर्व जीवन में श्री रंगम निवास की एवं श्री लक्ष्मी नारायण के उपासक, वे प्रसिद्ध गोपाल भट्ट गोस्वामी के पितृव्य एवं गुरु भी थे। श्रीमद महाप्रभु की कृपा से श्री राधा कृष्ण युगल रस में उन्मत्त हो और पूर्व लीला में ये जो भगवान की जो नित्य लीला है उसमें ये तुंग विद्या सखी है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर इस तुंग विद्या सखी। श्रीमन महाप्रभु के श्री रंगम में प्रस्थान के कुछ समय पश्चात भगवान जब साउथ में टूर कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु, तब ये श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर से मिले थे। और फिर ये कन्वर श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से बहुत प्रभावित हो गए थे और फिर महाप्रभु के साथ हो गए। और श्री रंगन में जब महाप्रभु चले जाते हैं, तब वो थोड़े समय के बाद वो भी श्री वृंदावन धाम चले आए और यहीं पर रहकर उन्होंने भजन में करने लग गए। और वे कुछ समय काम्यवन में भी रहे थे, अंतिम समय में भजन करते करते यहीं पे समाधि हो गए थे। और कुछ अवाचीन लोगों का यह कहना है कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती और काशीवासी अद्वैतवादी प्रकाशानंद सरस्वती एक व्यक्ति है, यह सर्वदा आयतिक है। एक ही व्यक्ति पहले भक्त प्रबोधानंद सरस्वती, बीच में मायावादी प्रकाशानंद और फिर प्रबोधानंद सरस्वती हो गया, ये कोरी कल्पना है। श्री गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने इस और अवार्चनीय मत का खंडन किया है। मैंने हम वैष्णवजन इस बात को अस्वीकार करते हैं कि वो दोनों एक व्यक्ति हैं। प्रकाशानंद सरस्वती अलग है और प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर अलग है। आगे बढ़ती है द्वादश आदित्य तिला। शीत काल का समय था, कालिया का दमन कर जिस समय कृष्ण हृदय से बाहर निकले, नर लीला के कारण उनकी बड़ी ठंड प्रतीत। वे पास के ही टीले पर चढ़कर सूर्य के प्रचंड ताप में खड़े हो गए और भक्त सूर्यदेव ने कृष्ण की सेवा के लिए द्वादश कलाओं के संपूर्ण ताप से कृष्ण की कंपकंपी को दूर कर दी, क्योंकि भगवान जल में लीला कर रहे थे, तो जब वो बाहर निकलते हैं तब उनको ठंड लग जाती है। ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, वो एक टीले पर जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पे उन्हें तेज सूर्य का प्रकाश मिलता है। और सूर्यदेव भी कृष्ण भगवान की सेवा करने के लिए उनके पास जो 12 कलाएं हैं उनका पूरा इस्तेमाल करके कृष्ण की जो कंपन लग रही है, काप रहे हैं कृष्ण उसको दूर करके। इसलिए इस स्थान को द्वादश आदित्य तिला कहते हैं, आदित्य यानी सूर्य।
मनेश्वर, और टीला मने एक पत्थर का, जो बड़ा सा पत्थर का टीला, प्रस्कंदन क्षेत्र, सूर्य के ताप से कृष्ण की कंपनी कब कभी दूर हुई, किंतु अधिक ताप के कारण उनके अंगों से पसीना निकला है। तो प्रस्कंद का अर्थ है पसीने से है, इसलिए इस स्थान का नाम प्रस्कंदन से प्रसिद्ध हो गया। जब उन्हें तेज गर्मी लगी तो फिर उनको पसीना निकलने लगा, तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम हो गया प्रस्कंदन। अद्वैतवत, प्रस्कंदन तीर्थ में ही अद्वैतवत विराजमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्व ही श्री अद्वैत आचार्य ब्रज में भ्रमण करते समय यहाँ उपस्थित हुए थे, यहाँ पर आए थे श्री अद्वैत आचार्य। उन्होंने इसी वट के नीचे कुछ दिनों तक निवास किया। इन्हें महावन गोकुल में श्रीमदन गोपाल जी प्राप्त हुए थे। ये उन्हीं की सेवा करते थे। यवनों के भय से और कुछ अपनी इच्छा से श्री मदन गोपाल जी को किसी एक भक्त चौबे के पास गुप्त रूप से रखकर शांतिपुर चले गए, क्योंकि शीघ्र ही नदिया नगर में सचिनंदन श्री गौर हरि का अवतीन होने वाला था, ऐसा उनको पता था। कालांतर में वे ही मदन गोपाल सनातन गोस्वामी के निकट पधारे, ये हम लोग ने कल ही पढ़ा, वही पधारे और फिर सनातन गोस्वामी ने के पास उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण कराकर उसमें उनको पधराया, और तब से ये श्री मदन मोहन के नाम से प्रसिद्ध हुए। दान मान गुमान और कुंज गलियां, प्रसिद्ध सेवा कुंज के पास दान गली है, मान गली है, गुमान गली है और कुंज गली है, ये चार सुंदरी गलियां प्रसिद्ध हैं। श्रीमती राधिका को मान होने पर वे इसी मान गली से मान सरोवर पर पधारी थी, और कृष्ण ने सखाओं के साथ दान गली नामक संकरी गली गोपियों से, और गोपियों ने कृष्ण से परस्पर प्रेम का आदान प्रदान किया था, इसलिए ये दान गली के नाम से प्रसिद्ध। जिस गली में किशोर किशोरी जी का प्रथम मिलन हुआ था, उसी समय परस्पर नयनों की भंगी से दोनों में प्रेम का संबंध स्थापित हुआ था, और वह पल पर बढ़ता ही गया। तो प्रेम का यही स्वरूप होता है कि वो समय के साथ बढ़ता जाता है और सुंदर होता जाता है, एंड लास्ट का यह स्वभाव है कि वो पहले बहुत हाइट पे होता है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो कृष्ण और राधा रानी जब एक दूसरे को देखते हैं तो अपने नयनों से ही उनके अंदर प्रेम जागृत होता है, और वो प्रेम समय के साथ और बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसे प्रेम गली कहते हैं। और कोई कोई इसको गुमान गली भी कहते हैं, जिसको हम गुमान गली नाम से जानते हैं वही प्रेम गली है, क्योंकि कृष्ण के द्वारा दान मांगने पर श्री प्रिया जी ने बड़े गुमान के साथ दान देना अस्वीकार किया, मना कर दिया कि मैं दान नहीं दूंगी, इसलिए प्रेम गली को गुमान गली भी कहते हैं। जिस गली से होकर सखियां सेवा कुंज में पधारती थी, जहाँ श्री कृष्ण स्वाधीन भर्तृका श्री राधा रानी की चरण सेवा करते थे, उसे सेवा कुंज कहते हैं। जहाँ पे कृष्ण भगवान राधा रानी की चरण सेवा करते थे, उसे अभी हम सेवा कुंज कहते हैं। ये चार गलियां जहाँ परस्पर मिलती है, जिस चौराहे पर मिलती है ये चारों गलियां, वर्तमान में श्री दान बिहारी और श्री रूप सनातन गौड़िया मठ विराजमान है। तो जहाँ पे चौराहे पर ये चारों गली मिलते हैं, उसी जगह पर अभी श्री रूप सनातन गोस्वामी जी का मठ गौड़िया मठ है, और श्री दान बिहारी का मंदिर है। सेवा कुंज, इसे निकुंज वन भी कहते हैं, श्री राधा दामोदर मंदिर के पीछे निकट की कुछ पूर्व दक्षिण में यह स्थान स्थित है। यहाँ एक छोटे से मंदिर में श्रीमती राधिका के चित्रपट की पूजा होती है। चित्रपट यानी फोटो की पूजा होती है। चित्र में श्री कृष्ण श्रीमती राधिका के चरणों को पलट रहे हैं, और ब्रजवासियों का कहना है कि आज भी प्रत्येक रात्रि में श्री राधा कृष्ण युगल साक्षात रूप से यहाँ विहार करते हैं। अंत रात्रि काल के आरंभ में ही इस कुंज से सभी को हटा दिया जाता है, और यहाँ तक कि उड़न बंदर भी अपने आप शाम को ही इस कुंज से निकल जाते हैं। तो ये शैतान बंदर भी
जैसे ही सांझ होती है सेवा कुंज से ये निकल जाती है, और रात्रि काल के आरंभ में इस कुंज से सभी को हटा दिया जाता है। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जब किसी व्यक्ति ने जिद से हठ पूर्वक रात में यहाँ रहने का प्रयास किया, किंतु जब सुबह हुआ तो उसका मरा हुआ शरीर ही देखा गया। कोई कोई किसी प्रकार से ना मरने पर भी संपूर्ण रूप से पागल हो गया। भक्त रसनाथ ब्रज में सर्वत्र कृष्ण का अन्वेषण कर हार गए, तो अंत में यहीं पर उन्हें रसिक कृष्ण का दर्शन हुआ। उन्होंने उसको अपने सरस पदों में इस प्रकार व्यक्त किया, देखियो दुरियो व कुंज कुटीर में, देखियो पलो तक राधिका का राधिका पायन। सेवा कुंज में ललिता कुंड भी है, जहाँ रास के समय ललिता जी को प्यास लगने पर कृष्ण ने अपनी वेणु से खोद कर एक सुंदर को प्रकट किया, जिसके बहुत मीठे जल से तकियों के साथ ललिता जी ने जलपान किया था। पास ही केली कदम नामक एक वृक्ष है, जिसके प्रत्येक गांठ में शालिग्राम जैसे कुछ उभरे हुए दाग दिख पड़ते हैं। जैसे शालिग्राम में ऐसे चक्र और बना हुआ होता है, तो वैसे ही जब पेड़ का जो यहाँ से शाखा निकलती है तो वहां पे एक गांठ होता है, तो वहां पे वो शालिग्राम जैसे दिखाई देते हैं उस पेड़ पर कदम के बीच से। श्री रूप सनातन गौड़िया मठ श्री विनोद कुछ इसको हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि अभी शुरू करेंगे तो ये पूरा नहीं होगा। वाचा कर्तरु भयस्य कृपा सिंधु देह वचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद प्रणाम एवरीवन, हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, किसी को कुछ दंडवत पूछना है? प्रणाम, हरे हरे कृष्ण, बहुत कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे बहुत कृष्ण। बहुत सुंदर सुंदर आनंद आ रहा है, बहुत थैंक अच्छा, कथाओं में बहुत आनंद आ रहा है यू, दीदी। हरे कृष्णा। मुझे भी बहुत आनंद है, करेंगे। हरे कृष्णा। हरे।